कर लेते हैं पटना वेमेन्स कॉलेज में सहयोगी नैन्सी का, जो वहां से तस्वीरें भी पहुंचा रही है। और नैन्सी फिलहाल इस वक्त तक, चूंकि 2:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, पीक आवर है, गर्मी भी अपने चरम पर है, ऐसे में किस तरह की तस्वीर आप वहां देख पा रही हैं? मतदाताओं की कतार है या फिर लोग शाम होने का इंतजार कर रहे हैं? जी विभाजी, यहाँ पे मैं पटना विमेंस कॉलेज में हूँ और यहाँ पे मतदान केंद्र जो है वो खाली है और लोग बहुत कम यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि 42 डिग्री से यहाँ का पारा कम नहीं है तो लोग बाहर आने में, मतदान केंद्र तक आने में थोड़ा घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अभी मतदान करके आए, वोट दे के आए हैं। इनमें क्या नाम हुआ आपका? राम जन्म प्रसाद जी। तो इनको आपको सम्मान प्रमाण पत्र मिला यहाँ से? यही है ना, मेरा सम्मान पत्र मिला हमको जी। कब से इंतजार कर रहे थे आप यहाँ पे? इंतजार कब, व्हील चेयर पर हैं तो इंतजार लोग खड़े कर ले आया। क्या मुद्दे क्या हैं आपके? क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दा है आपको सरकार के प्रति? मुद्दा है कि ईमानदारी से काम हो, समझे ना, और ज्यादा पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये एक पूरी फैमिली यहाँ पे आई है वोट डालने के लिए, सब मिलकर के आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है आदमी को, एक सुरक्षा, सफाई, और किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ना हो, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर किसी को काम में कोई दिक्कत ना हो, घुसखोरी ना हो, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। अच्छा, नाम पे वोट दे रही हैं या फिर काम पे वोट दे रही हैं? काम पे ही वोट देना है, वो तो हमारा पहला अधिकार है। नाम पे एकदम नहीं, जो जिसने विकास किया हमारे देश के लिए, हाँ मैं उनकी प्रतिनिधि। नैन्सी, भले ही लोग कम हो, आप जहां पर हैं वहां पे लोग कम है, लेकिन ये सुखद तस्वीर हम कह सकते हैं और प्रेरणा देने वाली तस्वीर कि लोग इन्हें देखकर शायद मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। लगभग 3 घंटे का वक्त बचा होगा, थोड़ा कम वक्त है उससे भी। क्या आपको लगता है कि थोड़ी देर, जब दोपहर ढलेगी, थोड़ी शाम जब शुरू होगी, शाम की शुरुआत होगी, लोग पहुंचेंगे वहां? जी हाँ, अब तक जैसा कि हमने देखा है कि 6th फेज तक जब शाम हुई है तब मतदान केंद्र पे मतदाता पहुंचने लगे, तो वैसे यहाँ पे भी होने वाला है। ऐसा देख के लग रहा है कि जैसे जैसे धूप ढलेगी वैसे वैसे लोग मतदान केंद्र में आना फिर से शुरू कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि बता दूँ कि धूप बहुत ही तेज़ है यहाँ पे, इसलिए भी लोग अभी बाहर घर से नहीं निकल रहे। जी अनूप, बिल्कुल। तो वो तस्वीरें नैन्सी दिखाती हुई जहाँ पर कई पीढ़ियों के लोग एक साथ मौजूद थे, और जो ऐसे मतदाता जिन जो एक उम्र के ऐसी दलीज पर हैं जहां पर उनके लिए चलना फिरना तक मुश्किल है, वो भी मिसाल पेश कर रहे हैं और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये हम कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से जो कोशिश है वो काबिले तारीफ है। उनको भी ऐसा लगता होगा, जो लोग वहां वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं वो अपने आप को बहुत खुश, गौरवान्वित महसूस करते हैं। बिल्कुल। और मतदाताओं के बच्चों के लिए कई मतदान केंद्रों पर बाल सुलभ केंद्र बनाए गए हैं। जी हाँ, उन्हें आकर्षित करने के लिए ये तमाम इंतजाम किए गए। इन बाल सुलभ केंद्रों में बच्चों के खेलने तक की सुविधा दी गई है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने ये व्यवस्था इस वजह से की है क्योंकि मतदाताओं के सामने एक बड़ी समस्या ये होती है कि वो अपने बच्चों को वोट डालने के दौरान कहाँ रख कर आए। और चलिए झारखंड के दुमका की बात कर लेते हैं। दुमका के बड़तल्ली स्थित बूथ पर मंत्री लुईस मरांडी ने मतदान किया और साथ ही आम लोगों से घर से निकलकर मतदान की अपील की है। साथ ही आम लोगों से घर से निकलकर मतदान करने की अपील करते हुए ये देखिए, आम और खास सभी एक ही कतार में लगते हुए भी लोकतंत्र को समझने लगे हैं। और देश में सरकार चलती है, कई कई सरकार चलती है, तो वोटिंग का रेशियो भी उसी हिसाब से चलता है। और इस बार सरकार ने लोगों के लिए जो काम किया है तो हमें लगता है वो भी एक पार्ट होगा कि सरकार अच्छा सरकार रहेगा तो आम जनता के लिए किस तरह से काम होती है। और मुझे लगता है जिस तरह से महिलाओं की भीड़ लगी हुई है उसका ही एक परिणाम है। तो इस वक्त चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इस वजह से लोगों की कतारें पोलिंग बूथों पर कम नजर आ रही है, लेकिन एक बात गौर करने वाली है अनूप, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर भी वोटिंग हो रही है वहां पर मतदाता दोपहर या शाम की तुलना में उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जबकि शहरी मतदाता आइडियल सिचुएशन ढूंढ रहे हैं। और हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब लोग गमछा बांधकर पहुंच रहे हैं, धूप बहुत तेज है लेकिन इसके बावजूद लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। हम भी उम्मीद करें कि जैसे धूप ढलेगी लोग अपने घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक।